फ्रेंड्स, एक के बाद एक सुपर हिट फिल्म देने के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त इस समय मेकर्स की पहली पसंद बने हुए हैं। फ्रेंड्स, इस समय संजय दत्त के पास कई बड़े प्रोजेक्ट हैं। उनकी कई बड़ी फिल्में आने वाली हैं, जिनमें नंबर वन पे है वेलकम टू द जंगल। फ्रेंड्स, संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में संजय दत्त दमदार किरदार में नजर आएंगे। फ्रेंड्स, नंबर टू पे है बाप। फ्रेंड्स, संजय दत्त की मोस्ट अवेटेड फिल्म बाप, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तब से फैंस की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। फ्रेंड्स, इस फिल्म में संजय दत्त के अलावा सनी देओल, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। फ्रेंड्स, नंबर थ्री पे है द गुड महाराजा। फ्रेंड्स, संजय दत्त की फिल्मों में द गुड महाराजा का नाम भी शामिल है। फ्रेंड्स, इस फिल्म में दूसरे वर्ल्ड वॉर के बीच भारत पोलैंड के रिश्तों को दिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, ये फिल्म इसी साल नवंबर में रिलीज होगी। फ्रेंड्स, नंबर फोर पे है केड़ी द डेविल। फ्रेंड्स, इस फिल्म में संजय दत्त के साथ ध्रुव सरजा लीड रोल में दिखाई देंगे। और नंबर फाइव पे है मुन्ना भाई थ्री। फ्रेंड्स, संजय दत्त और अरशद की फिल्म मुन्ना भाई थ्री, जिसमें ये दोनों सुपरस्टार साथ धूम मचाते नजर आएंगे। फिलहाल अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है। फ्रेंड्स, नंबर छह पे है घुड़चढ़ी। फ्रेंड्स, संजय दत्त की फिल्म घुड़चढ़ी का ऐलान भी काफी पहले हो चुका है और हाल ही में फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ था, जिसमें सुपरस्टार संजय दत्त एक्ट्रेस रवीना टंडन संग नजर आए थे। फ्रेंड्स, नंबर सात पे है मास्टर ब्लास्टर। फ्रेंड्स, इस फिल्म में संजय दत्त के साथ टाइगर श्रॉफ भी नजर आएंगे और इस फिल्म को फिरोज नाडियावाला बना रहे हैं। हालांकि फ्रेंड्स, आप इनमें से कौन सी मूवी को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।